सो गाइस यहाँ पर जो है पार्क बनने जा रहा है, सोसाइटी वालों ने मिलकर यहाँ पे प्रॉपर वे में पार्क बनाने जा रहे हैं। विनोद भाई आपको पता है सुबह लेबर्स आई थी यहाँ पे? अच्छा नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं यही बता रहा था कि लेबर्स नहीं आई। खुशखबरी है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी बाउंड्री खिंच गई है भाई। तो भाई हम भी ट्राई करते हैं इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस आज आपको हम जो है सोसाइटी टूर देते चलें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो है सामने जो है दीवार देख सकते हैं, इसका काम चल रहा था। यहाँ से जो है दीवार बनना स्टार्ट हुई थी वो आगे से, और ये पूरी प्रॉपर होती हुई देख सकते हैं आप, वहाँ तक जो है वो पूरी दीवार जा चुकी है। और सामने जो आप दीवार देख रहे हैं ये भी आ चुकी है। इससे पहले जो है ये दीवार नहीं थी, यहाँ से जो है रास्ता जो है ओपन था जो कि बंद की तरफ जाता था, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉपर वे में इसको पैक कर दिया गया है। सो गाइस यहाँ पर जो है पार्क बनने जा रहा है, सोसाइटी वालों ने मिलकर यहाँ पर प्रॉपर वे में पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसका काम अभी स्टार्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं आप ईंटें वगैरह आ चुकी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं रेती वगैरह आ चुकी है। विनोद भाई आपको पता है सुबह लेबर्स आई थी यहाँ पे? अच्छा नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं यही बता रहा था कि लेबर्स नहीं आई। खुशखबरी है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी बाउंड्री खिंच गई है भाई। अच्छा तो अच्छी बात है भाई, खिंचती जा रही है। आज लेबर आई थी, उन्होंने ठका ठक काम किया। तो ये सुबह आई थी क्या? हाँ सुबह आई थी। अच्छा अच्छा सुबह करके वहाँ से कौन से यहाँ तक आ गई है। अब चलें अच्छी बात है, ये हमारे लिए गुड न्यूज है। काम स्टार्ट हो चुका है, सुबह लेबर आई थी, और अब इंशाल्लाह देख सकते हैं आप जल्द से जल्द ये पूरी जो है लाइन वहाँ तक जो है प्रॉपर वे में ये बाउंड्री हो जाएगी। बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर ये पार्क बन जाएगा ना। वैसे तैयारी तो पूरी लगा रही है, जान पूरी लगा के पार्क बना रहे हैं यार हमारे लिए, हम पूरी सोसाइटी के लिए। अच्छी बात है भाई। और बात करें मौसम की तो भाई मौसम तो बड़ा VIP हो रहा है यार। इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई, पीछे बादल भी हमें देखें आप, कितने सारे बादल भी हैं। और भाई इससे जो जितने भी पीछे वाले दिन गए उधर बहुत हाफ था उस तरफ, यानी फिर हाफ बादल भी था और बारिश भी बहुत कम हुई है यहाँ पे हैदराबाद में। तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन माशाल्लाह से अब यहाँ पे हवा चल चुकी है भाई। ये भी हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है भाई कि हवा तो चल रही है। तो गाइस इसी के साथ हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है प्लांट्स की ग्रोथ हो चुकी है, जो कि हमारे नेबर रुमान भाई ने यहाँ पर आके इसको ग्रोथ दे दी है। देख सकते हैं हम कितने खूबसूरत जो है प्लांट्स की यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। तो गाइस एक चीज़ और है भाई, हमारे नेबर्स ने मेहनत करके यहाँ पे एक टाइप से खेत लगा लिए। देखें उधर नीम के आम के सबके पौधे लगे हुए हैं भाई। अच्छी बात है भाई, आम उगेंगे भाई तो इतने बड़े बड़े आएंगे भाई। अब तो पता नहीं कब आएंगे, अभी तो गाइस इतने इतने लगे हुए हैं ये आम, माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ हो रही है, हरियाली हो रही है पूरी, कोई सूखा हुआ नहीं है भाई पौधे का, सब सही हो रहे हैं भाई। सो गाइस एक तरफ पार्क होगा और एक तरफ प्लांट्स होंगे ये, यानी साइड साइड में बहुत खूबसूरती लाएंगे ये जितने भी पौधे हैं इधर। ये पार्क के जैसी भी दीवार के साथ लगेंगे ना तो बहुत अच्छी खूबसूरती हो जाएगी, ब्यूटीफुल सी। तो गाइस ये प्लांट जो भी हैं ये बड़े हो जाएंगे, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे ऑक्सीजन ये हमें देंगे, तो भाई इनसे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये पौधे लगाने चाहिए हमें भी, इसमें बहुत अच्छी बात है यार कि भाई पौधा लगाओ और दरख्त बनाओ अच्छे अच्छे यार। अगर आपके साए के नीचे, यानी आपने जो पौधा लगाया उसके साए के नीचे कोई बंदा आता है जब बड़ा हो जाए तो आपको बहुत अच्छा सवाब मिलेगा भाई, बहुत सारा सवाब, इसकी बहुत नेमत है भाई। देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर जो है वो गार्ड वगैरह का इंतजाम भी किया। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? खैर ये गार्ड वगैरह गए प्रॉपर वे में जो है सुबह और नाइट दोनों की शिफ्टों में आते हैं गाइस ये, और यहाँ पे ड्यूटी देते हैं सोसाइटी की। सो गाइस अभी हम चलते हैं सोसाइटी के और भी जगह आपको दिखाते हैं। आज हमारे ड्राइवर हैं अली भाई, भाई। चल सफ़र स्टार्ट करते हैं, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लज़ी सफ़र तना हाज़ा वमा कुन्ना लहू। सो गाइस हम निकल चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काम चल रहा है, यहाँ पर भी जो है वो स्कूल बन रहा है,
पूल यहाँ पे बनेगा प्रॉपर वे में। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से जो है प्रॉपर वे में रोड आ रहा है जो कि हमारे गार्डन के अंदर जा रहा है, सीधा कॉर्नर पे मस्जिद है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है ये मेन रोड चल रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ जो है वो लेफ्ट जानिब जो है बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन का गेट है मेन ट्रेन से, वो रास्ता गार्डन की तरफ जा रहा है और ये बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है रास्ता। ये देखिए हम बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन के दूसरे गेट पे पहुंच चुके हैं अल्लाह के करम से। ये देखिए यहाँ पे आबाद हो चुका है ये भाई, यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लैट बन चुके हैं। ये देखिए आप जबरदस्त जबरदस्त यहाँ अंदर दाखिल हुए हैं और यहाँ पर जो है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? यहाँ देख सकते हैं एंट्रेंस से यहीं पे गार्ड वगैरह खड़े हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उस दिन आप जा रहे थे, मैंने आवाज लगाई अब रुके ही नहीं। अच्छा शायद पता नहीं होगा या आवाज नहीं गई होगी, आप वहाँ गाड़ी के आगे हो गए थे ना, मैंने अब्बू को आवाज लगाई लेकिन अब्बू ने सुनी और तबीयत सही है। आप यहाँ गए जी? हाँ सलाम वालेकुम। और सुनाए गुलजार भाई? भाई अल्लाह का शुक्र, कैसे चल रहे हैं आपको काम? दुआ लगी पड़ी है, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बहुत शुक्रिया, कमेंट करो। हाँ कमेंट करो और सबसे ज्यादा से ज्यादा करो। ये हमारे अली भाई हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं, और हमें भी करो, इनको भी लाइक करो, फॉलो करो, भाई को भी करो, सबको लाइक फॉलो करो। और काम चल रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर? एक्सटेंशन में जोरों शोरों से काम चल रहा है, जबरदस्त। अभी नई कॉलोनी बनने वाली है, नहीं काम ऊपर कॉलोनी बनेगी। अच्छा जी हाँ, इंशाल्लाह उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। नहीं मैंने दरिया के ऊपर देखा था, यानी रोड बन चुका है वहाँ पे। जी हाँ पहले बन बन था, फिर चल रहा है स्लो स्लो से, तैयारी हो रही है। अच्छी बात है भाई, जबरदस्त। अली भाई और सुनाओ क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। गुलजार भाई फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज। चलो भाई अब आगे चलते हैं, हम इतने खूबसूरत खूबसूरत मकान बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखें सब जगह ये गेट बना हुआ है भाई। अभी हम बाहर निकल सकते हैं, बता रहे हैं कि ये सेकंड गेट है। अच्छा ये गेट आगे, अच्छा गेट ये है। अच्छा हमसे मिस्टेकिंग हो गई क्या? हाँ और जो आपने बताया था ना जी जी, वो थर्ड गेट है। अच्छा अच्छा चलो थर्ड गेट है, सही सही। अच्छा और भाई ये फर्स्ट गेट है जिसे हम तीसरा गेट कह रहे थे, फर्स्ट गेट है एक्सटेंशन का, बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन का फर्स्ट गेट यहाँ से स्टार्ट है। आप कहाँ जा रहे हैं? बस आपको लेके चल रहे हैं ये जगह, आप गेस करें। अच्छा वहाँ पर पहुँच के आपको बताएंगे। भाई क्या हो सकता है यार, हमें भी नहीं पता, जो है भाई बोले बस चलते हैं भाई, बस चलते हैं भाई। जब तक आप सोसाइटी का व्यू एंजॉय करें जी जी, जब तक हम आपको उस जगह पे लेके चलने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो गाइस हम लेने आ चुके हैं कचौड़ी, तो भाई कचौड़ी दिखाते हैं आपको, यहाँ का गर्मा गर्म पनीर लेके हमने यहाँ रोक दिए। ये देखें ये 10 नंबर का बाजार है और ये 12 रबीउल अव्वल चौक है, यहाँ से स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाह सिटी का स्टार्ट और बिस्मिल्लाह गार्डन का एंड होता है, यहाँ से बिस्मिल्लाह सिटी जा रहे हैं यहाँ से आप। ये देखें आपके साथ रश लगा पड़ा है भाई, यहाँ से सब अली भाई आज संडे है ना, जी जी बिल्कुल आज रश वगैरह लगा हुआ है। हाँ इसलिए भाई लोग आए हुए भाई सामान खरीदने और इतने। तो गाइस इसी के साथ हम घर पे आ चुके हैं और मगरिब की अजान हो चुकी है, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ ली और अब हम चलते हैं कचौरी खाने के लिए, जो हम बाहर से कचौरी लेकर आए थे। गाइस अली भाई जो हैं वो कचौरी ले आए हैं हमारे सामने, तो अब इनको ट्राई करते हैं जल्दी से, गरम गरम कचौरियाँ हो रही हैं गाइस। तो गाइस इसके अंदर डिप करा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बढ़िया बना है। तो भाई हम भी ट्राई करते हैं इसके अंदर। मजेदार भाई, जबरदस्त है, मुलायम मुलायम सी, गरम गरम सी भाई, बहुत जबरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका भाई। चटनी के साथ तो आलू वाली चटनी बड़ी वीआईपी है भाई। A few moments later. सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्त कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।